महत्तम पद का परिकरण करना है। महत्तम पद मतलब इस किसी पद का विस्तार करो, एक्स या वाई या एक्स और ए के कुछ मान दिए हो तो इनमें कौन सा पद सबसे बड़ा पद मिलेगा और उस पद का मान कितना होगा, वो सब आप निकाल सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसका टेक्स्ट पढ़ा, ठीक है, कि किस तरह से ये निकालना होता है। तो सॉल्विंग इसकी आसान है, टेक्स्ट में आपको बहुत लंबी बात दिखाई देगी। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले लेना है टी आर प्लस वन बड़ा होगा बराबर होगा छोटा होगा किससे, टी आर से, ऐसा लिख देते हैं। ठीक, तीनों कंडीशन एक साथ जो आपने डिस्कस की थी, बड़ा बराबर छोटा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये आपने देखा था R बड़ा होगा बराबर होगा छोटा होगा, R की वैल्यू कितनी थी, n प्लस वन इंटू ए अपॉन कितना, x प्लस, याद आया आपसे कहा था R निकालिए, तो यही R आपको निकालना है। ठीक, तो अब देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज R बड़ा बराबर छोटा, ठीक, n की वैल्यू कितनी है 10, सो 10 प्लस 1, ठीक, a की वैल्यू, ये x का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है x प्लस a, सो ये हो गया a की वैल्यू 5 अपॉन 4 इंटू y होल डिवाइडेड बाय, ठीक, x प्लस a, डिवाइड में x प्लस a ही था ना, ठीक, तो ये कितना x की वैल्यू 3 by 5x प्लस y की वैल्यू, a की वैल्यू सॉरी कितनी 5 upon 4 into कितना y, देखो सिर्फ इसको निकालने वाली बात है, इतना याद रखना। This implies r बड़ा है बराबर है छोटा, ऊपर हो गया 11, ठीक है, और y की वैल्यू भी रख देंगे 11 इंटू 5 अपॉन 4, y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल 1/3, सो 1/3 y की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय कितना 3/5 इंटू x, 3/5 x की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 5/4 y की वैल्यू कितनी है 1/3, ओके, ये निकालना है। सो यहां से अब क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज r बड़ा है बराबर है छोटा है, ठीक है, ये हो गया 55/12 55/12 इंटू, ये नीचे एलसीएम ले लो और ऊपर वाली संख्या ऊपर जाए, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ये 10 हुआ और ये 12 हुआ, और 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया 60, ठीक है, तो 60 पहुंच जाएगा ऊपर ये, और यहाँ 10 6 बार डिवाइड हुआ 60 18, यहाँ हो गया 18 प्लस ये 12 से डिवाइड किया 5 5 × 5 25, समझ पाए, ये तो दिस इंप्लाइज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ठीक, 12 से ये कट गया 5, ठीक है, तो कितना हुआ 55 × 5 डिवाइडेड बाय 18 और 25 कितना हो गया 43, ठीक, 55 × 5 कितना हो गया, दिस इंप्लाइज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, ठीक, 5 × 5 = 25 हो तो 275 में 45 से डिवाइड करना, ठीक है,
तो कितना आएगा, दिस इंप्लाइज आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 43/6 जा कितना होता है 240 छठी 18 258 ठीक है, तो कितना आया 268 होगा, 258 और कितना 75 17 170 में 43 से डिवाइड करेंगे 4 चौको 16 ठीक है और 4 तीन 12 172 ठीक है, तो कितना बार किया 4 बार। अब हमको वास्तव में ये सब निकालने की जरूरत, ये 6.4 आ गया, तो याद करो ये के प्लस एफ प्रकार का हुआ, अग्नि के प्लस के की वैल्यू कितनी है 6, तो कौन सा पद महत्तम होगा 7वां पद 6+1 k+1। अगर ये मिलता था केवल, अगर ये केवल 6 मिलता तो दो, सो यहां पर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 6.4 लगभग 6, तो यहां से आपको ये के प्लस एफ टाइप मिला, तो कौन सा पद महत्तम होगा, आता आता t6+1 k+1 दिस इज इक्वल टू t7 अर्थात सातवां पद महत्तम पद होगा। सातवां पद महत्तम होगा। अब तुमको सातवां पद निकालना है, तो कैसे निकलेगा ये देखे t7 इज इक्वल टू कितना होगा 8c6 एक कम रहता है 10c6 x की पावर कितना अर्थात 3y5 इंटू x की पावर कितना रहेगा 8-r अर्थात 4 10-6 इंटू a की पावर कितनी रहती है 5/4 इंटू 5 की पावर कितना 6, ये वो पद होगा सातवां ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, और बाकी काम क्या प्रेट का लेना है इसको 10c6 3/5 x की वैल्यू कितनी है 1/2 4x4 इंटू 5/4 इंटू y 1/3 3/6 ठीक। सो ये आ गया 10c6 और ये 3/10 4 और ये हो गया कितना 5/12 4 कितना 6। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट टर्म इन दिस एक्सपेंसिव ठीक। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है जब आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना होता है।